सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक रेंडर को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि लेनोवो A6000 को TWRP के यूज़ करते हुए कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को रिसरेक्शन रिमिक्स का 7.1.2 का आपको बताऊंगा कैसे आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को पहले मैं अभी कुछ जो लिख रहा हूँ वो मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा कि मैं वो क्यों लिख रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि आपको ऊपर की तरफ आपको रूट का एक आई पॉपअप मिल जाएगा। फिर इसके बाद सबसे पहले आपको अपना फ़ोन रूट चाहिए होगा, लेनोवो A6000 रूट चाहिए होगा। तो जो रूट आप लोगों को चाहिए होगा वो बेसिकली इसलिए चाहिए होगा क्योंकि आप उस पर TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर सकें। फिर इसके बाद आप लोगों को कस्टम रोम की फ़ाइल चाहिए होगी, और जो कस्टम रोम की फ़ाइल होनी चाहिए वो लेटेस्ट फाइल होनी चाहिए, यानी कि 7.1.2 रिकमेंड करता हूँ। वैसे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्टेबल यूज़ कर सकते हो स्टेबल, और आपको जी एप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपना, कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी नॉर्मल फाइल्स को जो मैं अपने पास रखा हूँ। सबसे पहले मैं फाइल मैनेजर में जाके दिखाता हूँ मैंने फाइल्स कहाँ कहाँ पे रखी है, और मैं अपने फाइल्स को अपने मेमोरी कार्ड में ही रखता हूँ। तो ध्यान दें आप लोग, अपनी मेमोरी कार्ड में रखें, इंटरनल स्टोरेज आपका डिलीट फॉर्मेट हो जाता है। तो कस्टम रोम में जैसा कि आप देख सकते हैं रिसरेक्शन रिमिक्स और यहाँ पे मैं रखा है, इसमें आप लोगों को इस वर्जन में सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हैक्स फर्मवेयर और RR की। तो पहले आप लोगों को हैक्स करना पड़ता है, फिर उसके बाद RR, सिर्फ ये इसी वर्जन के साथ अप्लाइड होता है। चूँकि ये 64 आर्म पे बेसिस है, इसलिए मैं 64 डाउनलोड किया हूँ जी एप्स। आप भी 64 आर्म पे डाउनलोड कर सकते हैं जैसा आपको ज़रूरी होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पावर ऑफ कर लेता हूँ। पावर ऑफ कर लेता हूँ, तब तक मैं आप लोग को बता दूँ कि आपको सिर्फ यही कस्टम रोम जो कि 64 पे बेस होता है उसके लिए आप लोगों को TWRP रिकवरी 64 आर्म पे बेसिस होना ज़रूरी है। आप लोगों को मैं वो चीज़ अभी बाद में बताऊँगा कि कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी की चीज़ों को देखने के लिए अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसको अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं। पावर बटन, पावर अप, पावर और वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पावर बटन, तीनों को एक साथ दबाना है, आप TWRP रिकवरी में चले जाएंगे। TWRP रिकवरी में जाते ही के साथ आप लोगों का फ़ोन जो बूट हो जाएगा, बूट होने के बाद सबसे पहला जो लुक होगा TWRP का वो होगा कि आप कुछ अलग अलग लैंग्वेज में भी होता है, इसलिए आप लोगों को 9th आइकन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ग्लो, वहाँ पे ग्लो पे, वहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट ओके करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका TWRP रिकवरी इंग्लिश में हो जाएगा। फिर इसका सबसे पहले हमें वाइप करना है। आप लोगों को बैकअप करने के लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा आप लोग बैकअप कर लीजिएगा, बट मुझे अपना डेटा नहीं चाहिए इसलिए मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्वाइप करूँगा तो फॉर्मेट हो जाएगा, बट मुझे ऐसा नहीं करना क्योंकि मैं एडवांस करूँगा। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे यस करके यहाँ पे आप लोगों को एक तरह से लिखना होता है। यस लिखने के बाद आप लोगों को इस पर क्लिक करना होता है जब ये आपका पूरा फ़ोन फॉर्मेट कर देता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है फॉर्मेट होने में, ज़्यादा नहीं लगता है, बस थोड़ा सा लगता है। तो हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एडवांस में जाके भी क्लियर कर लेता हूँ, इंटरनल स्टोरेज, डेल्विक कैशे वगैरह, यहाँ पे मैं कैश वगैरह सब कुछ सेलेक्ट करके चारों चीज़ें, फिर उसके बाद ओके कर देता हूँ। बैक आते ही साथ हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अपर फोल्डर एक्सटर्नल SD कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे कस्टम रोम में जाते हैं, रिसरेक्शन ऑफिशियल, और फिर उसका सबसे पहले हम यहाँ पे पैच का जो पहले है वो पहले हम डालेंगे ताकि पैच से हमारा जो सिस्टम का वो चीज़ इंस्टॉल हो जाए जो कि इसके रिकमेंडेड होता है। एक कुछ सॉफ्टवेयर इनका कुछ ऐप एक रिकमेंडेड है। तो सबसे दूसरी बार हम लोग चलते हैं रिसरेक्शन रिमिक्स, इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा सा प्रोसीजर है, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर चुका हूँ इसलिए थोड़ा टाइम अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये दो ज़्यादा टाइम नहीं लगता बट हो जाता है, 5 से 5 मिनट लगता है आपको इस प्रोसेस में। तो ज़्यादा आप लोग पैनिक ना करें। तो जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसीजर या प्रोसेस में क्या करना है। तो फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आप कैश डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बैक आइए। फिर उसके बाद आप लोगों को जी ऐप सेलेक्ट करना है। जी ऐप सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इसको फ्लैश कर देना है स्वाइप करने के बाद। और इस पर मिनी मैं कहूँगा कि सिर्फ आपको इस रोम पर आप लोगों को मिनी यूज़ करना है जी एप्स का, आपको उसके लिए नीचे लिंक मिल जाएगी।
और फिर इसके बाद सारी भी चीज़ जो भी मैंने यूज़ किया इसमें आप लोगों को उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन वो A6000+ पे मैंने इसको किया है और आप भी मेरी वीडियोस को देख के कर सकते हैं। कुछ भी आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब मैं इसको रिबूट करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे रिबूट कर रहा हूँ, रिबूट करते साथ थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट। बाकी कुछ आप लोगों को पैनिक करने की बहुत ईजी है, जैसा कि मैं आपको समझाया। अगर उसके बावजूद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप लोगों को एक एक स्टेप मैं लिख के जहाँ तक कि मैं समझा सकता हूँ वहाँ तक मैं समझाऊँगा। तो ये अभी खुलने में थोड़ा टाइम लगता है तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ। जब तक ये खुल जाएगा तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कोई भी चीज़ किसी भी TWRP रिकवरी जो भी मैंने कवर की अपने फ़ोन में या फिर अपने वीडियोस में आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा रोम खुल गया है, रिसरेक्शन रिमिक्स लिख के आ चुका है और यहाँ पे अमीन हो गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे गूगल का 7.1.2 अगर आप लोग या फिर नोट यूज़ कर, सबसे पहले उसकी स्क्रीन ऐसे ही होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करना है। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग अगर फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप लोग इतना तो बिल्कुल आता ही होगा। तो फिर इसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से इसको स्किप कर देता हूँ, नाम मैं यहाँ पे अपना लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट और चलिए हमारा ये एग्री कर दिया मैंने, ऑल सेट ओके। तो ये हमारा खुल गया। फिर उसके बाद मैं पिक्सल लॉन्चर को ऑलवेज डिफॉल्ट लॉन्चर की तरह यूज़ करने वाला हूँ। ये हमारा खुल गया। यहाँ पे आपको 2 नोटिफिकेशन SD कार्ड का और बैकअप का मिल जाता है। मैं इसको स्वाइप कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बैकअप करने की। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग्स के आइकन में। सेटिंग्स के आइकन में जाने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे रोम दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे कि यहाँ पे आप लोगों को 7.1.2 का नोगट का अपडेट आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसमें दिखा देता हूँ एक तरीके से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को मैं कवर करने वाला हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे 7.1.2 लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसके एडवांटेज के लिए और डिसएडवांटेज के लिए। तो टेक रेंडर साइनिंग ऑफ।